टू का चौथा पार्ट पहले देख लें, क्वेश्चन नंबर टू का चौथा पार्ट पहले देख लीजिए कि उसमें क्या है। तो मैं लिख रहा हूं अपने पास ये क्वेश्चन नंबर टू फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 5.4 सॉल्यूशन की हेडिंग और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, माइनस जेड क्यूब। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि यार दो परफेक्ट क्यूब या दो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या काम होगा। इसी भी सबसे पहले यहाँ पे कॉमन आ रहा है बाय दो रूट टर्म मौजूद है और बेस लोएस्ट पावर कॉमन आएगा। इस वक्त लोएस्ट पावर y स्क्वायर है, y स्क्वायर कॉमन चला गया, अंदर बचा y क्यूब माइनस z क्यूब। दो y चले गए, तीन बच गए, दोनों चले गए तो तीन z बच गए। a क्यूब माइनस b क्यूब डायरेक्टली लिखा हुआ नजर आ रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब का लगा दिया मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का। जल्दी रिटायर बेस कर रहे हैं, आता है नहीं आता जल्दी, सही है हां जल्दी आता है नहीं आता। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। जाइए बाहर, हर फॉर्मूला पत्र रखा लिखे रहे ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। जल्दी 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 टाइम ही जाया करे, वापस आए लिख कर वापस आए, बुक ले जाए, रजिस्टर ले जाए, जा जाके हर फॉर्मूला जो फॉर्मूले थे सारे 15-15 दफा लिख के आए। जी दोबारा देख लें, a माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरी बात को रिपीट नहीं करने को कह रहा, फॉर्मूला सुनाने को कह रहा। जाइए लिखिए 15-15 तो बार फॉर्मूला। वजी a माइनस बी गॉट ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? लिखवाओ भी 15-15 दफा बोल रहे, आखिरी मौका दे रहा हूँ मुझे कुछ सुना दिया माशाल्लाह। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सुनाना, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब नहीं अलग अलग क्यूब, ए प्लस बी माइनस कौन से फॉर्मूले आते हैं यहाँ पे? खुद ही बनाए हैं फॉर्मूले। ए माइनस बी गॉड शाबाश, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चल लिख के बता दो ये भी। किसी और की आवाज ना आए बेटा, अगर ऐसा चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू एबी प्लस टू बी टू बी सी प्लस टू सी। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये भी लिख के दिखा देता। ये ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर इनटू ये दूसरा ब्रैकेट a square plus b square plus c square minus ab minus b minus c ठीक है, कुछ तो याद है लेकिन सारे याद होने चाहिए, जो मिक्सअप हो रहे हैं कोई बात लिख लें, याद करके एक दफा लिख लें कम से कम हो जाएगी सी मिक्सअप लिख। हाँ भाई ये सुना रहे हैं कि माइनस बी क्यों सही ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं नहीं होल स्क्वायर नहीं अलग अलग ए प्लस बी टू ए माइनस बी गुड
ये वाला आएगी बारी, आएगी सबके। हाँ जी बता रहे, बता ना। बोलिए चलो तुम ये वाला सुनो, प्लस के साथ। एक अब्दुल्ला साहब याद तो ना हुए ना, कोई भी याद ना हुए, इसी तरह बाहर हमजा, कोई भी फॉर्मूला सुनाओ तो याद। माइनस ए बी सी इज इक्वल टू, आप इसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू दूसरा वाला कौन सा था, एक क्यूब ऊपर वाला क्यूब है। हाँ फिर मैंने तो अभी भी पढ़ा आपने, वेरी गुड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सुनाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए ए माइनस टू ए बी प्लस वाला ए क्यूब, ए क्यूब ए क्यूब तो मॉडल नहीं है, 15 दफा आर फॉर्मूला वो वाला सुना, माइनस टू प्लस टू बेटर है, ए ए प्लस लेस हो गई है ना, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सुना है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस ए बी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए बी, ठीक ये वाला सुना है, कोई भी एक फॉर्म सुना दे, ए क्यू प्लस बी स्क्वायर बी प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस सी ए बी, शाबाश बस आप जिसमें सी ए बी कॉमन होता है वो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए माइनस सी ए बी एन टू ए माइनस, सही से बोलना चाहिए। और ये वाला सुना दो, ए प्लस बी प्लस सी ए एन टू ए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू पहले से है, दोबारा कैसे आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, छत पे लिखा हुआ है क्या, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी अच्छा, ए प्लस बी ए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ओके शाबाश। ये वाला ये वाला टेलीफोन कॉमन ही पहले तो आया मैंने, तो कहाँ से ए क्यू माइनस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए ए स्क्वायर प्लस माइनस बी ए बी, बिल्कुल सही। इसकी दूसरी वाली फॉर्म ए बी ए टू ए प्लस, ठीक है ये वाला या वो वाला इनमें से कोई भी एक सुना दो, वो वाला ए माइनस बी दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सही है, ठीक है सही है। मनोज कोई भी सुना दो, बता दो कौन से दोनों साइड बोल दो, कोई भी सुना दो, उसके साथ तो मैं उसके साथ नहीं आया, अब ये वाला सुना दो,
पहले ब्रैकेट में क्या बोला दोबारा बोलो छोड़ो इस प्रॉब्लम ये वाला सुना दो होल क्यूब इनटू थ्री अब इसके बाद ये आखिरी वाला है नहीं यार क्या ठीक बार 15 दफा लिखने के लिए या कल याद करके आ ये वाला सुना दो जिसने नहीं सुना ठीक है पहला ब्रैकेट ए स्क्वायर दूसरा ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ठीक दूसरी फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी सी ठीक है ये मैं इसलिए पूछता हूँ कोई भी सुना दे ताकि पता चल जाए कौन सा पेज खुला तो ये वाला ये पेज नहीं खुला और भी सुना सकते नहीं बस ये जो खुला क्या शब्द पता रहता है हाँ भाई दूसरी फॉर्म याद है यार एटा के लिए थैंक यू हाँ प्लस थ्री ए बी स्क्वायर दूसरी फॉर्म दूसरी कॉमन जिसने निकाला था कि बुक पे कोई नहीं देखेगा बुक पे जो लोग देख रहे हैं उनको मैं भी देखूं याद है यार नहीं टाइम भी उधर ये वाला याद नहीं ये पूछा तो यही याद नहीं a plus b plus c okay. a square plus b square plus c square minus ab minus ab minus bc minus c अच्छा अब ये सुनाना तो इधर ही ये सुनाना ये a cube plus b cube equals to a cube minus b a plus minus a plus a cube plus b cube बोल क्यों नहीं क्या भाजी साहब अभी तो बड़ा सारे ला रहे हैं अपनी पानी में तो चुपके बैठ a plus b a plus b अभी तो बोल रहे साथ नहीं नहीं a plus b a square minus a b plus b square four a b अच्छा ठीक है इसका मतलब कुछ हद तक याद है जो याद नहीं वो याद है बोल क्यों भी याद नहीं है ये बोल रहा हूँ सुनाइए जो आप हैं आवाज तो आ रही is equal to a शाबाश यार तुम सब मुख से देख के नहीं सुना सकते ये वाला सुनाना सर गलत चार जो हर और में जो बीस का मतलब है तुम्हें जरा सब कुछ यार जरा हाँ भाई इधर सेकंड आ जाओ खड़े होते मुझे नजर नहीं आ हाँ कौन सा सुना दे बोल बहुत मुश्किल चलो सलाम
एक मिनट, अच्छा तुम ये कह रहे हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? फिर कौन सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? चलो भाई सब लोग और सुनो, यहाँ पर ला रहे तुम्हें यही नहीं पता, तुम बहुत सुना है ये बात। ओके अब जरा ये वाला सुनो, होल स्क्वायर के बाद होल क्यूब वाला सुनो, नहीं आता। अच्छा ये वाला सुनो, ये भी नहीं आता। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब सुना दो, ये भी नहीं आता। 15 15 दफा साथ में कौन बैठा है खड़े होने? आता है नहीं आता? 20 दफा लिखे जाते जी। बैग वैग सब लेकर आगे आ जाए, नजर नहीं आता बोर्ड फिर भी पीछे बैठ रहे हैं ना, क्योंकि पढ़ने तो आते नहीं है, पढ़ने आते हो तो फिर आगे बैठने का प्रॉब्लम। ए माइनस ए बी बैठ जाए, सॉरी बात इसकी सेकंड फॉर्म कॉमन निकालना है, इसकी ए माइनस बी क्यूब माइनस बी ए बी ए बी ए माइनस बी इसका आंसर और इसका आंसर ये सुनाना जरा, दूसरी फॉर्म शाबाश। और इसी तरह अब स्क्वायर वाला एक सुना, क्या है इसका मतलब? आपसे भी नहीं सुनाना भी मैंने सुनता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला नहीं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वाला सुनो। ठीक है शाबाश, अब ये सुनो एक मिनट, इससे पहले सुना दो ये वाला वो देख लिया कि वो सुना दिए देखेंगे, याद तो नहीं है भेजो बात तो होगी बेटा, जब लिखे वगैरह आप करोगे रट्टा लगाओगे, पहले ही बोला था, एक मौका और दे रहा हूँ ना, फिर नहीं यार ये जो बात पंद्रह सारा नहीं, मैं क्यों पढ़ाऊँ आगे का काम जब पिछला काम किया। लास्ट बेंच इस तरफ, वरुण आप भी खड़े हो, अबे आप मुझे सुना दो वरुण ए माइनस बी का होल स्क्वायर सुनाना।
अच्छा अब ये सुनाना अच्छा अब इसके बाद ये सुनाता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं आता ए प्लस बी का होल क्यूब आगे पीछे करते हैं लेकिन सही है कॉमन निकालने के बाद सुनाओ दूसरी फॉर्म सुनाओ दूसरी फॉर्म में जिसमें 3ab कॉमन निकाला समझा नहीं हुआ बिल्कुल मतलब कल भी यही हालत हुई ना क्लास के बाद याद है तो ये ना कहता प्लस नजर नहीं आ रहा इनटू ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर कौन सा सुना रहे बेटा अच्छा छोड़ो ये सुना अब दोबारा आ जाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब सुनाओ अलग अलग क्यूब ए माइनस बी इंटू प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बैठे गल से मैं भी सुनता हूँ एक एक करके जब कॉपी करेंगे काम तो ये बना a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब इसके बाद क्या होगा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस ब्रैकेट पर और सिर्फ ये काम होगा कि आपके पास इसकी जगह आ जाएगा वाई माइनस जेड और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस है तो प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग वाली फॉर्म आ गई तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर्स आ गए ठीक है अब इसके बाद जो अगला काम हम लोगों ने करना है वो जो अपॉन वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन वन का ये है कौन सा पार्ट क्वेश्चन वन का ये है छठा पार्ट ठीक है तो क्वेश्चन वन का छठा पार्ट कर लेते और देखते हैं क्या हो सकता है एक्सरसाइज 5.4 सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई मैंने अपने पास और उसके बाद लिखा जो वहां लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ एक्स फोर वाई अपॉन प्लस फोर अपॉन 81 ये तो दो परफेक्ट क्यूब नहीं है इसलिए क्योंकि पहले इसमें से कुछ क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से एक्स वाई और नीचे से 3 जो ऊपर से कॉमन आ रहा है वो कॉमन आने के बाद ऊपर है और जो नीचे से कॉमन आ रहा है वो कॉमन आने के बाद ये नौ थ्री एक्स वाई तीनों ऊपर लिखते हैं जो ऊपर से कॉमन आ रहा है वो ऊपर ही लिखा जाएगा बाहर भी और जो नीचे से कॉमन आ रहा है वो नीचे ही लिखा जाएगा बाहर भी अंदर क्या बचेगा एक्स फोर बन जाएगा 3x y और 3 एक ही था चला गया आगे चलो एक ही x था जा चुका 4y में से बचे 3y और इस 81 में से 3 गया तो इस 81 को 3 डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा 27 अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा है क्या वो दो परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं कौन किसका क्यूब है ये है एक्स का और वो है वाई का वाई अपॉन 3 का होल क्यूब ठीक है अब यहाँ पर हमने काम करना है और काम हम करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा याद है ठीक है अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी ठीक
अच्छा अब ये तो आपने सुना दिया मुझे, ये वाला सुनाइएगा a plus b का होल क्यूब, ये वाला अब कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सुना दो। सही सही लगा देते हैं वाला फॉर्मूला, और जैसे ही वाला फॉर्मूला लगेगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि एक्स वाई अपॉन थ्री आपके पास लिखा हुआ है बाहर, लिखा रहने के बाद और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है मेरे पास, भाई बात नहीं करें यार बिल्कुल, ब्रैकेट के अंदर जो है फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दिया, मैंने रेफरेंस देना चाहिए वरना मार्क्स कटेंगे यार, सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब जो मैंने अभी सुना था इसी वजह से क्या आता है भाई a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये अप्लाई कर देते हैं, अब जब ये अप्लाई होगा तो a प्लस b का मतलब होगा a क्या था यार यहां पे x क्यूब था क्या, और b क्या था 5/3, अच्छा फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स इंटू वाई अपॉन थ्री, यहाँ ब्रैकेट बनाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी थी उसके वजह से क्योंकि सिंपल एक्स और वाई थे, तो इस वजह से ब्रैकेट बनाने नहीं पड़े थे, खुद ही हो गया था काम, कुछ और था ही नहीं एक्स वाई और जेड के अलावा, यहाँ है थ्री भी है ना तो करना पड़ेगा ब्रैकेट बना के, और ये बनेगा वाई अपॉन थ्री का, ठीक है। अब जरा स्क्वायर अप्लाई कर दो, जहाँ स्क्वायर है और जहाँ मल्टीप्लाई वहाँ मल्टीप्लाई करो तो बनेगा एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री, और इसके साथ ही बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन थ्री प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन, यही आंसर है ठीक, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, और इस तरह से कॉमन निकालने वाला क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल कॉमन निकालने वाला, फ्रैक्शनल कॉमन निकालने वाला, और उसके साथ फिर आपके पास अपॉन वाले के फैक्टर कैसे बनते हैं वो भी आपने देख लिया। तो अब इसके बाद क्वेश्चन वन के जो दो पार्ट रह गए कौन कौन से वाला, फोर और फिफ्थ इसको सर्कल बनाएंगे, और क्वेश्चन टू का फिफ्थ और सिक्स्थ, दो दो पार्ट्स अब ये आप लोग कर लेंगे। क्या कहा मैंने, क्वेश्चन नंबर वन का फोर फाइव, क्वेश्चन टू का फाइव सिक्स, एक्सरसाइज कौन सी फाइव पॉइंट। अच्छा अब इसके बाद अभी लिख रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं, भले आप इसको आखिर में कीजिएगा आपकी मर्जी, लेकिन मैं लिख इसको अभी इसलिए रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री में पता है मसला क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री में मसला ये कि हायर क्यूब्स हैं, मल्टीपल क्यूब्स हैं, वो टर्म्स हैं जो एक से ज्यादा दफा क्यूब हो सकती हैं या शायद एक दफा क्यूब और एक दफा स्क्वायर हो सकती है, तो उन सब पे अब काम करना है, आए करते हैं बिल्कुल करते हैं काम इन सब पर। पहले जरा मैं हायर क्यूब्स पर काम करूं, और हायर क्यूब्स पे काम करूंगा कुछ इस तरह से कि अगर मैं एक सवाल लिखूं जो खुद से बना रहा हूं, सवाल कि मेरे पास लिखा है क्वेश्चन में a x की पावर 9 प्लस b z की पावर 9, सॉल्यूशन की मैंने बनाई हेडिंग और उसके बाद काम स्टार्ट किया a x रेस टू 9 प्लस b z रेस टू 9, अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है और सोचना है काम इसमें क्या होगा, क्या करना चाहिए काम इसमें। जी बेटा क्या नाम है आपका, करीम, करीम क्या होगा बेटा इसमें, ये बी नहीं है, गलती कर दी मैंने, ये मैंने क्या लिखा ए, अच्छा आ रही बताओ कैसे होगा फैक्टराइज, इधर बताओ बताओ, सबसे पहले फैक्टर्स में क्या सोचते हैं, मेरी किसी और की आवाज ना आए, निकाल लेते हैं कॉमन, सबसे पहले ए कॉमन है, अंदर क्या बचेगा L9 L9। जी हरी मैम उसके बाद क्या करें, कॉमन निकालने के बाद क्या सोचते हैं, सेट वन के बाद जाहिर है किसकी बारी आती है, सेट टू या सेट थ्री, दोनों नहीं हो सकता क्योंकि तीन टर्म्स नहीं, बिल्कुल सही, सेट फोर क्यों, दो परफेक्ट स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दो या तीन टर्म्स आएंगे तो बचा क्या, फाइव हो सकता है, सेट फाइव हो सकता है, क्यों, क्योंकि परफेक्ट क्यूब है और परफेक्ट क्यूब अगर दो हो
तो चाहे उनके बीच में प्लस हो चाहे माइनस, फॉर्मूला बन दूंगा, ठीक है। तो आए काम करते हैं इस पे। ये x रेस्ट टू 9 है x क्यूब का क्यूब, ये z रेस्ट टू 9 है z क्यूब का क्यूब, इस ब्रैकेट पे लग जाएगा अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का ऊपर भी लिखा है हमने, और ये होता है a प्लस b इनटू a स्क्वायर। याद करवाया था कि पहले ब्रैकेट में दो, दूसरे ब्रैकेट में तीन टर्म्स, और बीच वाले टर्म का साइन पहले ब्रैकेट के बीच के साइन से ये रहेगा एज इट इज। पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस b, बिल्कुल अभी लिखता हूँ, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a का मतलब x या z है या कुछ और है, x क्यूब, क्योंकि a वो नहीं होता जो है फर्स्ट टर्म में, a वो होता है जिसका फर्स्ट टर्म क्यूब हो, क्योंकि फॉर्मूले में a नहीं है फर्स्ट टर्म, फॉर्मूले में a क्यूब है फर्स्ट टर्म। तो a क्या होगा, जिसका ये क्यूब है, तो ये a का क्यूब है, तो a की जगह ये आया। अब ये किसका क्यूब है, x क्यूब का क्यूब है, इसीलिए a की जगह क्या आएगा x, और b की जगह क्या आएगा z क्यूब। ये है x क्यूब और ये है b की वैल्यू z क्यूब से, फॉर्मूले वैल्यू क्योंकि जहां पावर के ऊपर पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, जहां क्यूब है वहां सिर्फ क्यूब है। अब इस हिसाब से जो आपके सामने है, ये और ये दोनों आपने देख लिए। हायर स्क्वायर होने का फायदा या नुकसान क्या हुआ, हायर स्क्वायर का होने का ये नुकसान हुआ कि आंसर में भी क्यूब आ रहा है, सही है, फिर क्या करूँ अगर क्यूब आ रहा है तो फॉर्मूला दोबारा अप्लाई होगा, क्योंकि दो क्यूब आ रहे हैं और बीच में भाई जब क्यूब एक से ज्यादा दफा है तो फॉर्मूला भी एक से ज्यादा, पहले एक दफा लगा था 9 3 बना था, आधा नहीं होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे क्यूब है, स्क्वायर में आधा होता था, तो फिर उसके बाद अब दोबारा क्यूब बचा तो दोबारा क्यूब पे काम होगा, और क्या काम होगा दोबारा क्यूब पे, दोबारा फॉर्मूला लगेगा, और क्या, और फॉर्मूला का रेफरेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक दफा दोबारा देने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, ये a रहेगा एज इट इज, इसकी जगह a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ब्रैकेट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना अंदर, क्योंकि सिंपल x सिंपल z है। और दूसरा जो एक्चुअली अब एक दो तीन चौथा फैक्टर है, ये क्या बनेगा पावर के ऊपर एज इट इज आएगा, सिंपलीफाई होने के बाद 3 2 माइनस ऐसे ही रहेगा x क्यूब z क्यूब प्लस इस फैक्टर की मत, क्योंकि इसमें हायर पावर है, इस फैक्टर के मजीद फैक्टर नहीं बन सकते क्या, क्यों आई चेक कर लेते ना वन बाय वन सारे सेट्स, कॉमन आ नहीं रहा, सेट वन नहीं है, तीन टर्म्स हैं मगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है लेकिन टू ए भी नहीं है, अच्छा और मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, प्लस कराने से कभी भी वन नहीं आता, तो 1 2 3 चेक, सेट 4 पर आ गए, सेट 4 ये हो सकता है इसलिए क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर उनके बीच में प्लस है, तो सेट 4 सी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मिडिल टर्म में ना तो परफेक्ट क्यूब है, पावर ऐसी है कि ना ये परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है, जो बचेगा वो भी x क्यूब y क्यूब बचेगा z क्यूब बचेगा, जो कि क्यूब तो होता है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो सेट 4c वाला काम या 4a 4b वाला काम भी ओके, सेट 5 वाला काम दो परफेक्ट क्यूब है तो सही, लेकिन फिर इस तीसरी टर्म का क्या होगा, क्योंकि सेट 5 का मतलब है सिर्फ दो परफेक्ट क्यूब, और इसके अलावा अगर कुछ और हो तो उसका पेयर बने, लेकिन पेयर भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये अकेला ही बच रहा है, तो इसका मतलब ये कि नहीं हो सकता किसी भी तरीके से ये फैक्टराइज, आ रही है बात समझ में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, टिक मार्क नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से करवाया था। अब हायर स्क्वायर्स हायर क्यूब्स के बीच में अगर प्लस हो तो आपने देखा क्या होता है, अब इसी तरह हायर स्क्वायर्स के बीच में अगर माइनस हो तो क्या होगा, इस क्वेश्चन की बात कर लें, ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पहला ही सवाल है, पहला दूसरा मुझे कर लेना चाहिए, तीसरा मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि तीसरे में सबसे ज्यादा काम, अच्छा तीसरे से पहले ज्यादा छठा तो देख लो उसमें क्या होगा, कॉमन आएगा ए, अंदर क्या बचेगा, चलो ये कर लेता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 6, याद हो गए भाई, 5 दफा लिखे, 5 क्यों लिखे, 5 ही याद करने थे बस, मैं तो बोला था सारे फॉर्मूले याद करते, 5 क्यों, आप अपनी मर्जी से आप 5 लिख कर आ गए, मेरे को क्या बताया था मैंने,
मुझे बताया था, क्या बताया था, कितनी दफा लिखनी। तो आप कह रहे हैं कि पांच पांच दफा फॉर्मूला लिख कर आना, सिर्फ पांच फॉर्मूले लिखे हैं, कितनी दफा, 15 दफा। तो बाकी जो है वो किसी और के लिए छोड़ रहे हैं, लिखवाना मकसद नहीं, आपके हाथ थकाना मेरा मकसद नहीं है, याद करवाना मकसद नहीं। याद हुए अभी सुनता हूँ तो पता चल जाएगा, याद हुए बिटा दिए अब तो घर चलो कोई बात नहीं। आसान फॉर्मूले ये सुना, देख क्या फायदा लिख लिया, जो शाबाश सारे फॉर्मूले लिख के आना और 20 दफा लिख के आना। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट, छठा पार्ट का भी एक्सरसाइज है 5.4 सॉल्यूशन की हेडिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे पास ax is to 12 है ना प्लस ay is to 12। ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन की तरह एक कॉमन आया, अंदर बचा x is to 12 प्लस y is to 12। गलती से मैंने यहाँ पे ले लिया, बहुत ज्यादा सिमिलर हो गया। खैर चले काम काम तो क्या होगा, अब इससे पहले कि हम लोग आगे चलेंगे नजर आएगा, साफ साफ नजर आएगा सर यहाँ पर ना ये परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और स्क्वायर भी हायर है, सही है, यानी जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स, यानी मिसाल के तौर पे दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में प्लस है तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी मुझे लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है किसका, एक्स रेस टू सिक्स का और वाई रेस टू सिक्स का, तो यहाँ आएगा x raise to 6 y raise to 6 जो कि फॉर्मूला बना देगा x 6 plus y 6 का होल स्क्वायर और ये माइनस 2 बच जाएगा। यस बिल्कुल नेगेटिव टर्म बची है, सही बात है, लेकिन क्या परफेक्ट स्क्वायर बची है, नहीं, 6 तो और y 6 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है लेकिन 2 जो इसके साथ है वो परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ सब्ट्रैक्ट होने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ अगर यहाँ पहले से लिखा होता ना प्लस x 6 y 6 तो फिर ये वाला काम कराते ताकि माइनस टू और प्लस वन बन जाए माइनस एक्स सिक्स वाई सिक्स जो ना सिर्फ माइनस बचे और परफेक्ट, तो फिर ये सेट फोर सी का होता, अभी नहीं है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, सिर्फ परफेक्ट क्यूब स्क्वायर वाला काम चेक कर लिया ना मैंने, देखो फोर ए हो नहीं सकता क्योंकि माइनस नहीं है, फोर बी हो नहीं सकता क्योंकि चार टर्म नहीं है, तीन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बचा क्या सेट फोर सी क्योंकि दो स्क्वायर के बीच में प्लस है और उसकी पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर ली थी कि स्क्वायर तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जो बचेगा वो एक परफेक्ट, तो फायदा क्या है, तो अब सिर्फ और सिर्फ सेट फाइव वाला काम ही होगा और वो ये कि किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 4 3 12 होता है, ये है x रेस टू 4 का और ये है y रेस टू 4 का। अब यहाँ पे लग जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब का वंस अगेन फॉर्मूला जो होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक ये बन जाएगा a as it is, ये बन जाएगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, चलिए बताएं a का मतलब है x4, a का मतलब है x4, b का मतलब है y4, तो जहां जहां फॉर्मूले में b था वहां y4, जहां स्क्वायर है वहां पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब जो मल्टी पावर है मल्टीप्लाई करवा दें ए के साथ, अच्छा इसके फैक्टर नहीं बनेंगे बन सकते हैं, कैसे हायर स्क्वायर है और बीच में प्लस है, सही बात है स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दो बैलेंस करने के लिए माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, ये तो फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा मगर ये बच जाएगा, तो जो बच रहा है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बच रहा है, नहीं टू की वजह से मसला हो, तो इसीलिए यहाँ पे फोर सी वाला काम करवाने की जरूरत, हाँ स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है मगर फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा। वरुण साहब कहाँ ध्यान है आपका, क्या अभी अगर मैं दोबारा सवाल पूछ लूँ आपसे तो आपको कुछ नहीं पता, पता नहीं बुक पे क्या ढूंढ रहे हैं भाई, इधर खड़ा होकर मैं बात कर रहा हूँ, बुक पे क्या देख रहे हैं, मास्क नीचे कीजिए बताइए मुझे, तो वहां पे कोई मिरर लगाया हुआ है रिफ्लेक्शन करके देख रहे हैं कुछ, फिर मतलब देखते हैं वहां पे नजर यहाँ पे पड़ती है क्या चक्कर है, मुझे तो वहीं पे देखते हुए नजर आया, या तो बंदा ऐसा होना है उसे आता जाता बहुत कुछ हो तो ना सुने बात मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जब आता जाता कुछ नहीं है तो फिर ऐसे तो नहीं करना चाहिए, सुन ले बात को जी, तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे और परफेक्ट क्यूब भी नहीं, नहीं यार ये अब की बात
अच्छा यहाँ पे अप्लाई करना एट, ये बनेगा एक्स फोर और ये बनेगा फाइव। अब यहाँ हायर स्क्वायर है और फिर दो स्क्वायर के बीच में प्लस है, तो यहाँ भी वही पॉसिबिलिटी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जो अगर आपको याद हो कि जहाँ माइनस था जहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता था वहां मजीद फैक्टर बनते थे, जहां माइनस होता था वहां फैक्टर, क्योंकि माइनस एक्स फोर के साथ जब आप माइनस टू लिखेंगे तो माइनस थ्री बनेगा, जो कि माइनस तो है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर प्लस लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो बचेगा लेकिन पॉजिटिव बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, तो इस वजह से इन दोनों फैक्टर्स के अब मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, लिहाजा यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, यही फर्दर कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो बस खत्म हो गया। ठीक है, एक मार्क करते हैं, इसमें बड़ी पावर थी तो मैंने कहा करवा दूं भाई। अब इसी तरह एक और बड़ी पावर है 12, अच्छा भी 12 वाला इक्वेशन करवाया तो है, मगर वहां पे बीच में लगा हुआ है माइनस। ठीक है, अच्छा आप जरा पेज पढ़ लें, मिसलेनियस एक्सरसाइज चाहिएगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज पेज नंबर आगे आ गया 131 का क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट भी है, बल्कि जल्दी से आप लोग आए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट पे टिक मार्क करें, मैं करवा रहा हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज कौन सी 4 5 बल्कि 2 नहीं 5। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई मैंने अपने पास और सबसे पहला काम क्वेश्चन कॉपी किया, तो जरा बताइएगा बेटा क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, r raised to 12 s raised to 12 y or z, y 12 or z 12, question in terms of y z answer in terms of y z, कुछ लोग सोचेंगे डायरेक्ट के दो परफेक्ट क्यूब है, कुछ लोग तरतीब से चलेंगे, जो तरतीब से चलेगा वो फायदे में रहेगा, क्वेश्चन दोनों छूटों में हो जाएगा, उसकी वजह बताऊं क्या है, यहाँ पे बीच में और जो पावर है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है परफेक्ट क्यूब भी है, तो यहाँ सेट 4 वाला काम भी होना है और यहाँ सेट नंबर 5 वाला दोनों काम होने, अब आपकी मर्जी पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक आसान है और एक मुश्किल है, टोटल कितने फॉर्मूले लिखते हैं, लिस्ट बनवाई थी मैंने उस लिस्ट को ही देख लेते, वो लिस्ट यानी लेक्चर भी कॉपी नहीं हो रहा है इसका, फॉर्मूले कितने थे भाई, 5 फॉर्मूले 4.7 में थे, 5 थे ना, हाँ फिर एक 4.6 में हो गए 6, सही है, दो होल क्यूब वाले दो अलग ये हो गए 5 6 और 5 11 सही। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं कह रहा था मैं तरतीब से सोचूंगा, तरतीब से चलूंगा तो आसान है काम, दोनों हो जाएंगे, बस एक लेंथी है और एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट आसान भी है जाहिर, लेंथी जरा मुश्किल है क्योंकि उस लेंथी वाले में फंस जाएंगे, 4C वाला काम करवाना पड़ेगा, अब आपको भी पता है बात 4A ज्यादा आसान है या 4C ज्यादा आसान है, तो जहाँ 4A हो रहा है वहां डायरेक्ट 4A अप्लाई करो ताकि 4C से जान छूटे, नहीं तो फिर अगर 4A शुरू में अप्लाई नहीं किया सेट 5 शुरू में अप्लाई किया तो बाद में सेट नंबर 4C अप्लाई करना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा पहले जरा काम को देखें, ये जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि यार पहले हम लोग काम कर रहे हैं इस पे परफेक्ट स्क्वायर वाला, तरतीब से चलो, कॉमन कुछ आ नहीं रहा सेट की तरतीब से, दो टर्म्स है नहीं तो सेट 3 सेट 2 आउट ऑफ क्वेश्चन, सेट नंबर 4 ये है क्योंकि दे आर टू परफेक्ट स्क्वायर्स विद आर नेगेटिव साइन, चलो आप बताओ ये है r रेस टू 6 s रेस टू 6 का स्क्वायर और ये है y रेस टू 6 s रेस टू 6 का z रेस टू 6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा फौरी तौर पे a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, अब इसके बाद जो मजीद काम हो रहा है वो क्या हो रहा है देखो a माइनस b का मतलब r 6 s 6 और इसके बाद y 6 z 6 और ये चीज एक दफा प्लस में r 6 s 6 प्लस y 6, प्लस वाले में सेट नंबर 4 वाला मजीद काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच में लगा हुआ है प्लस और ये हायर स्क्वायर्स नहीं है, स्क्वायर के साथ क्यूब है, 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ मजीद काम नहीं हो रहा, लेकिन माइनस वाले में मजीद काम हो रहा है बिकॉज दे आर स्टिल टू परफेक्ट
स्क्वायर सिक्स स्क्वायर होता है क्यूब का. दोबारा कर दो, बताओ पहले फैक्टर के बनेंगे मजीद फैक्टर. आर स्क्वायर एस आर क्यूब बन गए. आर क्यूब एस क्यूब का स्क्वायर, वाई क्यूब जेड क्यूब का स्क्वायर. इसको फिलहाल एज इट इज छोड़ दें, क्योंकि जहां तक ताल्लुक है सेट नंबर फोर का, तो उस हिसाब से अभी इसके मजीद फैक्टर बन नहीं रहे. तो जरा बताइए पहले ब्रैकेट पे दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेट फोर वाला, और दोबारा इसके फैक्टर बनेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी. ए का मतलब है आर क्यूब एस क्यूब माइनस वाई क्यूब जेड क्यूब, और फिर आर क्यूब एस क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब. जबकि तीसरा ब्रैकेट जो कि दूसरा ब्रैकेट जो कि तीसरा ब्रैकेट है, ये बन जाएगा आर सिक्स एस सिक्स प्लस वाई सिक्स जेड सिक्स. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेट फोर वाला काम हो रहा है, अभी भी पहले ब्रैकेट में माइनस है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. तो अब काम बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि अब ये टोटली सेट नंबर फाइव वाले तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, जहां पे पहले ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तीसरे में भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब करें फिर. ठीक है, दो दो परफेक्ट क्यूब्स हैं. फॉर्मूले का रेफरेंस दे दें या फिर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें यार. ये किसका है, आर एस का क्यूब, और यहाँ पे माइनस है. ये किसका है, वाई जेड का क्यूब. दूसरे ब्रैकेट में ये है आर एस का क्यूब और ये है प्लस वाई जेड का क्यूब, और तीसरे में आपके पास लिखा है सिक्स, तो ये है आर स्क्वायर और एस स्क्वायर का क्यूब, और प्लस के बाद ये है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का क्यूब. हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन क्योंकि बीच में प्लस है तो इसीलिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाला काम नहीं किया. पूरे वाला काम नहीं हो सकता, माइनस होता तो हो जाता जैसे हुआ. ठीक है, माइनस वाले के मजीद फैक्टर सेट फोर में होता था, माइनस वाले के मजीद फैक्टर बनते जाते थे, प्लस वाला साथ साथ ऐसे ही आता जाता था. अब इन दोनों में फॉर्मूले लगेंगे और फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए. एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस. कैसे याद करवाया था, पहले ब्रैकेट में होती है दो टर्म्स और दूसरे ब्रैकेट में तीन टर्म, और जो तीन टर्म्स है उनमें इन्हीं दोनों का स्क्वायर होता है और बीच में इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट. स्क्वायर वाली टर्म हर हाल में पॉजिटिव आती है. अगर यहाँ माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस, और अगर यहाँ प्लस है तो पहले ब्रैकेट में प्लस, और अगर पहले ब्रैकेट में प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस. हो गया दोनों फॉर्मूले एक दफा दोबारा आपके सामने. इस तरीके से कभी भूलता नहीं है बंदा. हाँ भाई, पहला क्या बना, सर ये बना आर एस माइनस वाई जेड इंटू आर एस, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, ब्रैकेट बना देना चाहिए. ए स्क्वायर का मतलब आर एस का स्क्वायर प्लस आर एस इंटू वाई जेड प्लस वाई जेड का स्क्वायर. ये आया है पहले कर्ली ब्रैकेट की जगह. हर ब्रैकेट की जगह दो दो ब्रैकेट आएंगे, जैसे दो ब्रैकेट की जगह एक ब्रैकेट आता था 4.9 4.6 में, अब हर ब्रैकेट की जगह दो दो आएंगे. तो दूसरा ब्रैकेट बनेगा आर एस प्लस वाई जेड, और ये बनेगा आर एस का स्क्वायर माइनस आर एस इंटू वाई जेड प्लस वाई जेड का स्क्वायर. ठीक चल रहा है काम. अब इसके बाद क्या होगा आगे, इसके बाद आगे ये होगा कि आपके पास तीसरे ब्रैकेट के फैक्टर बनेंगे. तो तीसरा ब्रैकेट मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं आ गई, तो इसका आंसर क्या आएगा थोड़ा आगे से ताकि पता चले वो स्टेप. ए प्लस बी, और अब ए और बी क्या है, आर एस वाई जेड है, आर स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर का क्यूब था, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो ये बनेगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस है तो माइनस आर स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आखिर में प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का. काम लंबा है क्योंकि पावर ज्यादा है, फैक्टर्स भी ज्यादा है इसी वजह से, लेकिन ये ना कहिएगा कि काम मुश्किल है. अब क्या करें, बस अब सिर्फ जहां स्क्वायर वहां स्क्वायर अप्लाई कर दें, और जहां मल्टीप्लाई वहां मल्टीप्लाई कर दें, और एक काम और करें, दो दो टर्म वाले तीनों ब्रैकेट शुरू में लिख लें और तीन तीन टर्म वाले तीनों ब्रैकेट आखिर में लिख लें. पर कोई नहीं पड़ता क्योंकि छह के छह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कौन पहले और कौन बाद. चलो करते हैं भाई फिर. तो आर एस माइनस वाई जेड के साथ आर एस प्लस वाई जेड, और इसके साथ आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों दो दो टर्म्स वाले ब्रैकेट आपके सामने. अब तीन टर्म्स वाला पहला ब्रैकेट ये रहा, ये बनेगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस आर एस वाई जेड
प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं क्या करूं जब क्वेश्चन में चार अल्फाबेट थे तो मेरे पास भी चार अल्फाबेट आएंगे, इग्नोर नहीं कर सकता, जैसा सवाल वैसा जवाब। सेकंड लास्ट ब्रैकेट ये वाला आना चाहिए, आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस है ना यहाँ पे आर एस वाई जेड और आखिर में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस ब्रैकेट, स्क्वायर अप्लाई करना, आर फोर एस फोर माइनस आर स्क्वायर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई फोर जेड फोर, यही छह ब्रैकेट्स है। वैसे तो बाकी सारे फैक्टर्स आप चेक कर लें, कॉमन कुछ आ नहीं रहा, यहाँ तीन टर्म्स नहीं है मगर यहाँ तीन टर्म्स हैं, मगर टू ए भी नहीं है और प्लस है और बीच में वन है, तो प्लस कराने से कभी भी वन तो सेट वन टू थ्री नहीं। अब सेट फोर, यहाँ दो परफेक्ट स्क्वायर है प्लस है मगर ये हायर स्क्वायर नहीं है और फोर ए नहीं है क्योंकि माइनस नहीं है, तो इनके तो फैक्टर बन ही, और ना ये परफेक्ट क्यूब है तो इनके तो फैक्टर बन नहीं रहे। यहाँ पे भी ऐसे ही दो परफेक्ट स्क्वायर बीच में प्लस है मगर हायर स्क्वायर नहीं है तो इनके भी मजीद नहीं बन रहे, यहाँ हायर स्क्वायर है बिल्कुल सही क्योंकि बीच में भी स्क्वायर बच रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। टू ए भी नहीं है कोई बात नहीं, टू ए भी मैं करवाता हूँ, तो जब मैं टू ए भी कराऊंगा तो माइनस टू ए भी बच जाएगा, तो माइनस टू ए भी बचेगा और माइनस वन के साथ वो बनेगा माइनस थ्री आर स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये तो माइनस थ्री आ गया, थ्री तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्लस पहले लिखे और बल्कि माइनस पहले टू पहले लिखे और प्लस टू बाद में बचाए, तो जब प्लस टू बचाएंगे तो प्लस टू इस माइनस वन के साथ सिंप्लीफाई होके प्लस वन बचेगा, बोलो बचेगा या नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बच रहा है मगर माइनस नहीं बच रहा, तो माइनस वाली जहां टर्म होती थी वहां मजीद फैक्टर नहीं बना करते थे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फोर का तीसरा और चौथा पार्ट याद हो 5.2 का, इंपॉर्टेंट भी थे वो क्वेश्चंस, थे या नहीं थे, तो बस इसका मतलब यही, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि किसी फैक्टर के मजीद फैक्टर्स तो नहीं बन सकते, क्योंकि अगर मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी तो हमें करनी भी होगी, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स का मतलब ये है कि जिस कदर हद तक फैक्टराइजेशन हो सकती है करनी है, तो ये आया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, छह फैक्टर्स हैं, छह फैक्टर्स, पावर बड़ी थी, पावर जितनी बड़ी होगी फैक्टर्स उतने ज्यादा होंगे, प्रोवाइडेड बीच में माइनस हो, प्लस होगा तो परफेक्ट क्यूब वाला काम होगा, बस परफेक्ट स्क्वायर वाला काम नहीं होगा, क्योंकि 12 यहां भी था 12 वहां भी था, बल्कि ये रहा ये दोनों 12 वाले, एक इतना छोटा सा आंसर एक इतना बड़ा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो काम, मल्टीपल टाइम्स स्क्वायर का काम भी हो रहा था और क्यूब का भी काम हो रहा था, जबकि वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा क्या भला क्यूब का काम हो रहा था, क्योंकि प्लस का स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता नहीं है, माइनस के साथ होता है, हाँ क्यूब का फॉर्मूला अलबत्ता होता है वो लगा, तो टिक मार्क कर दें इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट पे, और इसके साथ ही अब हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज पर ही है अभी इस वक्त, तो बेहतर है कि क्वेश्चन नंबर वन का आखिरी पार्ट लेते हैं अभी इसी वक्त, क्वेश्चन नंबर वन का आखिरी पार्ट, क्या ख्याल है भाई कैसे होगा, क्यूब तो लगेगा ही लगेगा, स्क्वायर का क्यूब है और एक एक और चीज अगर देखो बीच में क्या लगा माइनस, तो स्क्वायर का काम भी हो सकता है क्योंकि जो टर्म्स है वो परफेक्ट क्यूब्स भी है और परफेक्ट, तो पहले कौन सा काम करें, क्योंकि अब जरा सुन लो, ये काम मैं करवा तो नहीं रहा, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं इधर सबकी नजर, अगर किसी शख्स ने पहले इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर किसी शख्स ने इस क्वेश्चन में पहले क्या किया, उसने पहले क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि काम तो दोनों होने हैं ना, तो हो सकता है कोई पहले क्यूब का काम कर दे, तो अगर कोई पहले इसको क्यूब बना दे तो फॉर्मूला भी लगाएगा क्यूब का, पहले रेफरेंस दिया हुआ दोबारा नहीं दे रहा आप लोग दे दीजिएगा, तो ये क्यूब बनेगा किसका, फोर का, ये सिक्स का तो स्क्वायर है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, क्यूब किसका है, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो फोर का क्यूब बन गया और लगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, रेफरेंस आप लोग खुद देंगे बेटा, ठीक है, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, अच्छा अब इसके बाद ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा, अब मैं ये साइड लिख रहा सिर्फ वही साइड, बहुत टाइम, इतने सारे स्टेप हैं, हर स्टेप में दो दो साइडें अगर लिखनी पड़े तो बहुत देर लग जाएगी और सिर्फ ढाई नंबर का क्वेश्चन होता है, जल्दी करना होता है, जल्दी का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इसलिए हो सकता है 5 मिनट में ना हो, ज्यादा देर लगेगी बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि बाकी जो तीन पार्ट्स हैं उनमें कम टाइम भी लग सकता है, छोटे पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, टाइम जस्टिफाइड होगा, है ये बताओ यार, a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस a बताना जरा, r s y z, हाँ भाई
क्या आर एस क्या पावर क्या आएगी, क्यूब आएगा या फोर आएगा? फोर क्यों आएगा? क्योंकि ये फोर का क्यूब है, तो जिसका ये क्यूब होता है वो ये होता है ना। आर फोर एस फोर, ये आया ए और ये आया वाई फोर जेड फोर बी। चलो भाई अच्छी बात है, अब बताओ आगे क्या होगा। आगे दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, दो स्क्वायर की पेंसिल से करना जो मैं कर रहा हूँ, ये होगा सेट फोर ए से, बोलो होगा। और यहाँ पर इस ब्रैकेट में मैं ये ब्रैकेट लिख देता हूँ एक दफा, यहाँ पे इस ब्रैकेट में आपके पास आर फोर एस फोर प्लस आर फोर एस फोर और वाई फोर जेड फोर प्लस आर एट बनेगा, ठीक है जी। आर एट एस एट वाई फोर एस फोर और आर फोर जेड फोर और साथ में वाई एट जेड एट। तो भाई इस पे क्या काम होगा मजीद, सेट नंबर फोर जी, और एक दफा नहीं दो दफा, बहुत दफा मिलना आ गया, दो दफा पावर एट है, तो पहले एट से ज्यादा होकर फोर बनेगी, फिर फोर से ज्यादा होकर और फिर टू के बाद बीच में बचेगा आर एस वाई जेड, तो उसके फिर क्योंकि हायर स्क्वायर्स नहीं है तो मजीद फैक्टर। और ये काम सिर्फ प्लस वाले में होगा कि जब प्लस टू ए भी पहले लिखे और माइनस टू ए भी बाद में लिखे, तो माइनस टू और प्लस वन बन जाएगा माइनस आर फोर जेड एस फोर वाई फोर जेड फोर, जो कि बनेगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, और उसमें जो ए प्लस बी वाला ब्रैकेट होगा उस पर फिर दोबारा ये काम होगा, बोले होगा या नहीं, क्योंकि हमने ये काम कर लिया था और बस इससे इतना सा फर्क है कि वहां एक्स फोर वाई फोर था या एक्स एट और वन था, यहाँ पे एक्स की जगह आर एस है और वाई की या वन की जगह वाई जेड है, बस ये फर्क है। करने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। जो होमवर्क दिया था वो भी तो इसी तरह का दिया था, मैंने दिया था ना, तो अगर इस तरह का होमवर्क आपने किया है तो ये खुद कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोबारा उसी काम को रिपीट करना है। हाँ अगर ना हो तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी। और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहाँ पे क्वेश्चन वन का कौन सा मिसलेनियस का, पहले मिसलेनियस का देख लो ना, टेंथ क्वेश्चन वन का टेंथ है मिसलेनियस का, इसका सर्कल बनाइए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर वन का टेंथ। अब इसके साथ मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन वन के सारे पार्ट हो गए, ऐसे ही है ना। और इसके अलावा क्वेश्चन टू में कौन सा रह गया है, तीसरा रह गया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब आए वापस 5.4 में, और 5.4 एक्सरसाइज पे देखिए कि क्वेश्चन कौन से रह गए, ये तो हो गए। क्वेश्चन फोर तो रहता ही रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला दूसरा चौथा पांचवा, अच्छा पांचवा जो है ना इसका, वो पांचवा इसी के साथ हो जाना चाहिए क्योंकि वहां सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वो भी एक दफा, क्योंकि बीच में प्लस है तो स्क्वायर वाला काम भी हो सकेगा, लेकिन जहां परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों के बीच मतलब तो दोनों टर्म्स है ना स्क्वायर में क्यूब में, वहां माइनस है तो वहां फिर ये वाला काम होगा। तो कौन कौन सा क्वेश्चन इसके साथ हुआ, एक तो क्वेश्चन नंबर वन का टेंथ हो गया और एक क्वेश्चन नंबर थ्री का कौन कौन सा बोला मैंने, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, मगर ये एक्सरसाइज देख रहे हैं कौन सी है 5.4, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चंस इनके साथ ऑब्वियसली, और इसके अलावा सर्कल बना लिया, क्वेश्चन फोर रहता है, क्वेश्चन फोर सुन लो, क्वेश्चन फोर के आखिर के तीन पार्ट्स, क्वेश्चन फोर के आखिर के तीन पार्ट्स करने हैं क्योंकि ये ऐसे जो आप कर सकते हो। नंबर बताओ मुझे कौन सा है, 5, 6 और 7, अच्छा इसके बाद अगला एक्सरसाइज में अब जो रहता है वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन टू का पहला भी होमवर्क दे दिया था ना मैंने कल ही, टू के पहले तीन तीसरा करवाया था और पहला दूसरा होमवर्क दिया था। अच्छा इसी तरह एक एग्जांपल है जो दरअसल दो एग्जांपल्स है, बल्कि एक है एग्जांपल टू पेज 103 पर,
एक है एग्जांपल टू पेज 103 पर और एक है एग्जांपल थ्री पेज 104 पर। देखो एग्जांपल टू ये वाली एग्जांपल है जहां परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों का काम हो रहा है, तो उसके दोनों मेथड्स हैं और आपने भी उसके दोनों मेथड्स करने, जैसे इस क्वेश्चन के दोनों मेथड्स करने हैं। बाकी क्वेश्चन का एक एक मेथड ही करना, पहले स्क्वायर बाद में क्यूब वाला, ये ज्यादा आसान है। लेकिन एग्जाम्पल का और इस क्वेश्चन के दोनों मेथड करने। आ रही है बात समझ में सबको? कॉपी कर लीजिए, काम कॉपी कीजिए, बातों की आवाज मुझे ना।